अच्छा है, आ गए मेरा इंटरव्यू लेने। आज कुछ बोलूंगा, कल पेपर में कुछ और छाप दोगे और पूरे देश में फैल जाएगा कि नाना ने देश के बारे में बुरा कह दिया। अरे सच बोलता हूँ, बस तुम्हें बुरा लग जाता है तो मैं क्या करूँ। इतना ही बुरा लगता है तो देश में कुछ अच्छे बदलाव लाओ। हथियार नहीं, कलम उठाओ, जैसे कलम वाले भाई ने उठाए थे। कहीं पढ़ा था मैंने, द डेस्टिनेशन ऑफ द नेशन डिसाइडेड इन द क्लासरूम, मतलब देश का भविष्य उसकी कक्षा में है। कक्षा में, कक्षा कक्षा नहीं। तुझे क्या लगा चोली सिंह के हथियार रखने वाली जगह नटी बॉय? एक टीचर देश का भविष्य बिगाड़ और बढ़ा सकता है, बिल्कुल एक कुम्हार की तरह, जैसे मिट्टी से वो बर्तन बना सकता है या मिट्टी चाट सकता है। कंट्रोल उदय, या मिट्टी के बस ढेले की तरह छोड़ सकता है, जैसे आजकल के नवयुवा की तरह, बिल्कुल व्यर्थ। अच्छा है, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चे के टैलेंट को तराशना, देखना कौन मछली की तरह तैर सकता है, कौन बंदर की तरह चढ़ सकता है, कौन पंछी की तरह उड़ सकता है। गंदा पंछी मेरे ऊपर हकता है, गंदा। अचरे करने सचिन में क्रिकेट का टैलेंट देखा था, और सारा भाई ने एपीजे में साइंटिस्ट का टैलेंट, और आजकल के टीचर क्या देख रहे हैं, बस इंग्लिश वाले मैडम की कमर। कैसा जमाना आ गया है। देखिए सभी टीचरों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के साथ साथ नैतिक शिक्षा की शिक्षा जरूर दें, ताकि बच्चे छोरी को ना छेड़े बल्कि छेड़ने वाले को ना छोड़े, देश के लिए मर मिटने वाली भावना रखे, ना कि भावना के लिए मरने की। सभी बच्चों को एकता जरूर सिखाएं, वरना जो एकता सिखा रही है सभी नागिन बाबहू बन के घूमेंगे। एक होंगे तो जाति को बाहर जाना पड़ेगा, धर्म के एथिक्स को बाहर आना पड़ेगा, और गरीबी करप्शन को बहुत दूर जाना पड़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे है आज, बजाओ ताली। साले सभी मच्छरों के लिए बजाते हैं लेकिन इनके लिए नहीं बजाएंगे, बजाओ। ये एक बहुत अच्छी बात कहते थे, टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड ऑफ आवर कंट्री। काय को बनेंगे बेस्ट माइंड जब आधे से ज्यादा मजबूरी में पढ़ाती हैं लड़कियां। लड़की तुम पढ़ो और पढ़ाओ, ताकि घर सुबह सुबह खाना बना के जाओ और वापस घर आके एक ठरकी का मूड बनाओ। टीचर के पास ना अच्छी सैलरी है ना ढंग की ट्रेनिंग, बच्चों को बारहवीं के बाद प्रोस्टिट्यूशन सबको पता होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नहीं पता। कैसे चलेगा ये देश? वो स्कूल का पीटीआई, वो साला स्कूल का पीटीआई बस मैथ वाले के पीछे लगा रहता है, नहीं तो हाउ टू इम्प्रेस मैडम, और ना हो तो बॉयज वेल प्लेट बोल के चला जाता है, तो सर कपूर से भी गंदी एक्टिंग झाड़ता है। ये नहीं कि बच्चे बच्चियों को खिलाए, उनको मेंटली फिजिकली फिट बनाए, बस नहीं, अपने खुश घूमता रहेगा लोअर और टी शर्ट पहन के, हाथ में एक डंडी ले लेगा, सिटी ले लेगा। ऐसे पीटीआई होते हैं, कोई भी खुश होकर टीचर नहीं बनता, सब साले मजबूरी से बनते हैं, अनलेस गवर्नमेंट जॉब ना हो टीचिंग में, और गवर्नमेंट टीचर भी इतना ओवरबर्डन होता है जैसे लड़कियों का बाप दहेज देते हुए, क्योंकि सरकारी टीचर क्या काम नहीं करते, इरेक्शन, इलेक्शन, वैक्सीनेशन, कोई भी कर्म कांड कराना हो बस हर जगह इनका खड़ा कर दो। कंट्रोल उदय, इन्हें खड़ा कर दो, और वो भी बिना एहसान के। देख लो सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है टीचर जितने भी मरे हैं कोविड में इलेक्शन के दौरान। कुछ नहीं कहना है मुझे, इसीलिए कहता हूं इज्जत करो गुरु की, गुरु हे मामा गुरु रे चाचा, जो मंत्र है याद करो या ना करो इम्प्लीमेंट इट। टीचर को मांगता है इज्जत के साथ साथ मजबूत रोकड़ा, कुछ सरकार दे कुछ हम दे। अब स्कूल में और कॉलेज में दान पुण्य होगा, जब वो अंग्रेज लोग कर सकते हैं तो हम कुछ नहीं। जब हमने विद्यालय को मंदिर माना है, गुरु को भगवान से बड़ा माना है, तो क्यों नहीं करते हम दान पुण्य? पैसा दो वहां पर, और साथ में निष्ठा के साथ ट्रेनिंग। निष्ठा ट्रेनिंग गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, निष्ठा ही क्यों, रवि न मनीषा क्यों नहीं। अच्छा है, जस्ट जोकिंग। अच्छा है, चलो बंद करता हूँ, वरना कहोगे नाना कितना बोलता है। बस जाते जाते इतना कहूंगा, ये भूमि गुरु द्रोणाचार्य परशुराम और गुरु नानक की भूमि है, जहाँ शिष्यों ने अपना सब कुछ दिया है, तो टीचरों को भी उन गुरुओं जैसा बनना होगा, अगर इज्जत चाहिए तो। ऐसा बनो, हम तुमको इज्जत देंगे। तुम्हें क्या लगा बस नाना स्टूडेंट्स को सुनाएगा? अच्छा है, नहीं, गुरु जैसा बनो, गुरु जैसी इज्जत कमाओ। अच्छा, बाय बाय नॉनसेंस पीपल, चलता हूँ।